हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपने बोर्ड पे देख लिया होगा कि आज हम लोग TCT एंड PGT की केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। देखिए, ज़्यादातर जो हम लोग सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ होता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी एक सीट पक्की हो चुकी है और फाइनली आप उस मिशन की ओर चल चुके हैं जो आपको उस रास्ते पर लेकर के जाने वाला है जहाँ पहुंचने के बाद आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आपने सोची होगी, जो आप सपने देखते होंगे, हर वो चीज़ आपके हाथों में होगी। तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का कठिन परिश्रम करना है आपको और वो चीज़ पा लेनी है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TGT साइंस का सिलेबस। आज के बाद से आपको शेड्यूल मिल चुका है, क्लासेस उसी अकाउंट में मिलने लगेंगी, तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, सभी को एक एक पॉइंट क्लास का देखना है, चाहे तो वो 2 मल्टीप्लाई पे देखें, चाहे वो सिंगल देखें, हर एक चीज़ देखनी है आपको, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को इस हिसाब से बनाया है कि आपको एक एक क्वेश्चन सिर्फ क्लास से मिल जाए। ठीक है, प्रैक्टिस तो आप लोग करेंगे ही, वो सब चीज़ें भेजी जाएंगी, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप उस चीज़ को, उस बारीकी को समझें कि ये एग्ज़ाम कैसे निकालना है। ठीक है, आप सभी लोग पहले ये एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप में से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं निकला है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एक एक बार के एक्सपीरियंस होल्डर हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, तो उन्हें निराश नहीं होना है। हमारे पास 100 बच्चों का ग्रुप है, उस 100 बच्चों में से हमें 100 सीटें चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिले। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की बेसिक क्लास है। तो इस केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना है ये, और साथ में कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब से कितना पढ़ना है, किस नोट से कितना पढ़ना है, कितना लगाना है, कितने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, ये सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम अपना सिलेबस उठा के देखें तो हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर हैं जहाँ से तीन तीन चार चार क्वेश्चन बने हुए हैं, है कि नहीं। और अगर आप उस ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आपने पिछली बार पढ़ा है, तो सिलेक्शन तो आप भूल जाइए, क्योंकि इस बार सिर्फ 500 पद हैं, पिछली बार 800 कुछ पद थे। तो ये मान लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 80 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप भूल जाइए, 110+ की तैयारी करिए और साथ में 125 में से ऐसे करिए कि कम से कम 120+ आए, है ना। हालांकि इतने क्वेश्चन सही नहीं होते, फिर भी कोशिश करिए कि कम से कम 110+ क्वेश्चन सही हो, जिससे कोई भी आपकी टक्कर में ना हो। ये ना सोचना पड़े कि यार कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये ना सोचना पड़े आपको। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए एक बेहतरीन वे में पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसी वे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को जिस हिसाब से हमें पढ़ना है उसी हिसाब से पढ़ेंगे, जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस के साथ में हम लोग ये करेंगे कि कम से कम ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पुटअप कर लिए जाए, या ऐसे चैप्टर पहले ही ख़त्म कर लिए जाएँ जिनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, या जिनसे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहले हायर मार्किंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन भी यहीं पे करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि हमें कितना पढ़ना है। एक चीज़ आप ये भी याद रखिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कितनी पकड़ है आपके सब्जेक्ट पे। अगर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो हर चीज़ एक लैंग्वेज में होगी वहाँ पर, और आपको वहाँ पे सोल्यूशन या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक तरीके या बेसिक फैक्ट बताऊंगा जिनसे आप चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है ना, वो तो हम लोग भी एग्ज़ाम के टाइम पे डिस्कस करेंगे, बट अभी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल वे से हट करके पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये टॉपिक करेंगे। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपका पीरियडिक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। अब आप समझ सकते होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन अगर टेबल से आ रहे हैं तो आप टेबल क्यों नहीं याद कर रहे हैं, आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए।
ठीक है, हम लोग अपने पहले लेक्चर की शुरुआत टेबल से ही करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, बट समझ लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ कि जब हम लोग मंडे को क्लास करेंगे उस क्लास में आपकी सबसे पहली क्लास जो होगी वो टेबल की क्लास होगी, पीरियडिक टेबल की। देखिए, हमें वो चीज़ें हायर करनी है, वो चीज़ें डेवलप करनी है अपने अंदर कि हम सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन है। डीप नॉलेज तो हम सिलेक्शन के बाद भी ले सकते हैं, है कि नहीं? डीप नॉलेज जब मेरे लेना है तो रिजल्ट निकलने के बाद 5-6 महीने बचेंगे, उसमें डीप नॉलेज ले लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है, और बुक्स पढ़ लेंगे। बट हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट करना है अपना बेहतरीन देना है। इस हिसाब से पढ़ना है कि चीज़ें आपके दिमाग में रहें, पेन ना उठाना पड़े। जितना कम आप एग्ज़ाम में पेन उठाएंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा, ये समझ लीजिए। जितना पेन ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा टाइम खर्च होगा, ठीक है, जितना कम पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा टाइम बचेगा आपका। इसलिए रिफिल बचाइए और अपने एग्ज़ाम का टाइम बचाइए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपको, मैं ट्रेडिशनल वे से हट करके पढ़ाऊंगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ वहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, 3 क्लासेस से 4 क्लासेस आपको केमिस्ट्री की मिलेंगी, ठीक है, एक वीक में 6 क्लासेस आपको फिजिक्स के मिलेंगे, और आप ये मान लीजिए कि उन क्लासेस में के मतलब जो क्लासेस हैं उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपका, तो आपको इसके लिए बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए कि अगर आपने ये सोच लिया है कि सर क्वेश्चन यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं ऐसे कुछ वैसे कुछ, तो इन सब चीज़ों से दूर होकर के आप अपनी बुक्स उठाइए। ठीक है, आपके पास कोई भी किताब हो, 12th की, NCERT, कुमार मित्तल, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी बुक हो, ठीक है, केन शर्मा, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे केन शर्मा पढ़ते हैं और राजीव प्रकाशन पढ़ते हैं, बहुत सारे नृपेंद्र भटनागर पढ़ते हैं, कई कई राइटर्स की बुक हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब बुक्स का कोई खतरा नहीं है। तो आप कोई भी बुक पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन जहाँ से बने हैं आपके वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में वही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा बस। इसके अलावा आप ये सोचें कि मैं आपको द्रव्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बताऊं, तो ये नहीं हो पाएगा। आप लोग केमिस्ट्री की क्लासेस में ऐसे ही समझिए कि मैं आपको सिर्फ वो क्लासेस वो चीज़ें दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं वहाँ से। मैं आपको कोई भी डिफिनेशन नहीं रटाऊंगा क्योंकि डिफिनेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिजिक्स में डिफिनेशंस के अंदर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैं फिजिक्स में आपको डिफिनेशंस याद करा देता हूँ या बता देता हूँ, बट केमिस्ट्री में आपके ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग याद करना है, साथ में उनको ऐसे ही मतलब उनको सॉल्व करके उनको लगाना भी है। कई तरीके हैं, सब तरीकों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको 1 महीने मेरे साथ रहना है, और रहने के साथ में आपको मैं जितना बताऊँ, जितना होमवर्क मिले उतना होमवर्क आपको करना है। ठीक है, टेबल का वीडियो जब आपको मिलेगा तो उस टेबल को आपको याद करना है। ठीक है, मैं याद कराऊँगा, ठीक है, क्लास में, बट आपको भी उसे याद करना पड़ेगा, बिना याद के काम नहीं हो पाएगा, ये भी याद रखिए। तो 118 एलिमेंट आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना, ये भी याद है। तो 118वां एलिमेंट कौन सा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, और सवा जो 100 नंबर का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो भी आपको डालना है, और किस ब्लॉक का है ये भी आपको डालना है। थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ, तो 100 वाला मैं बता देता हूँ, 99 वाला आप बताइएगा। 100 वाला फर्मियॉन होता है, ठीक है, फर्मियॉन बोल रहा हूँ फर्मी में FM लिखा रहता है, ठीक है, सिंबल पूछा जाएगा आपसे, नाम नहीं पूछा जाएगा कि साइंटिस्ट पर हो सकता है, ये पूछ सकते हैं तो फर्मी के नाम पर हुआ था ये इनका नाम, और 100 नंबर का ये एलिमेंट है, तो आपको ये याद रखना है। कई पिछली बार शायद 2013 वाले एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। तो 95 से लेकर के, वैसे 95 नहीं तो 100, 99 और 101, ये इतने, और उसके बाद में 104 नंबर और 103 नंबर आपको याद रखना होगा। ठीक है, 71 नंबर याद रखना है, 58 नंबर याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये एफ ब्लॉक की स्टार्टिंग और एंड है, ठीक है, लेंथ एंड एक्टिनाइट का। 90 नंबर भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर एक्टिनाइट से स्टार्ट होती है, तो ऐसे करके चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को रट्टा मारने का सोचा तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो रट्टा मारना भी बहुत ज़रूरी है अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में जल्दी करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस डिस्कस करना है आज, क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है, द्रव्य मैटर, ठीक है,
पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, रासायनिक संयोग से एक क्वेश्चन 2021 में आया था। तो कह सकते हैं कि ये हम लोग से आखिरी में पढ़ेंगे, या जब हमारा टाइम होगा हम लोग उसको पढ़ लेंगे, जो जहाँ से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन बनेंगे पहले केमिस्ट्री में हम लोग वो पोर्शन टच कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 62 आउट ऑफ 62 हमें लेकर के आना है, तो हमें वो पोर्शन पहले कवर करने होंगे जो पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उन्हें बार बार रिपीट करते रहना होगा, उनकी तैयारी करती रहनी होगी। अगर ये हम लोग कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमारा? फ़ायदा ये हमारा हो जाएगा कि कम से कम में टाइम में हम लोग ये इसको रेडी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बाई मिस्टेक हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पे पढ़े रहे हैं और आखिरी में हम लोग उनको याद ही नहीं कर पाए तो क्या मतलब रह जाएगा, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो क्या मतलब रह जाएगा। तो इसी हिसाब से पढ़ना है, ट्रेडिशनल वे से हट करके पढ़ना है, सबसे ट्रेडिशनल वे से हट करके पढ़ना है। अगर आप हट करके नहीं पढ़ेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप लोग अपना नुकसान करेंगे। बाकी आपका जैसा मन है वैसा करने के लिए आप सभी लोग करबद्ध हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके लिए। सबसे पहला आपका दिया हुआ है द्रव्य, ठीक है, द्रव्य में यही प्रकृति क्या है, व्यवहार क्या है, द्रव्य के प्रकार क्या है, तत्व एवं उनके वर्गीकरण दिया हुआ है, धातु अधातु यौगिक एवं मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम दिया हुआ है आपके सिलेबस में, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर पदार्थ की संरचना, परमाणु संरचना और डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, आपबाऊ, एक यहाँ से क्वेश्चन आया था पाउली काले से, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था आपके टीजीटी एग्जाम में। फिर इसी में और भी कुछ दिया है, क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये सभी बहुत ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये एक एक दिन में सही हो जाएंगे, ये एक एक दिन में क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग सिद्धांत, ठीक है, ये भी एक एक दिन के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। रेडियो सक्रियता, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दो कम से कम, ठीक है, दो क्वेश्चन बनेंगे। रासायनिक आबंध, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, रासायनिक आबंध कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं जो हायर नंबर वाले हैं उनको लिखे दे रहा हूँ, रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक बंध या आबंध, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं बंध बताइए कमेंट में, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं दिया हुआ है और इसी रासायनिक आबंधन से, ठीक है, 5 क्वेश्चन मान लीजिए, कम से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक हैं इसलिए हम लोग इसको ऐसे समझेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं दी हुई हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा तो इसको मैंने लिखा, वैद्युत रासायनिक सेल, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, कम से कम 5 क्वेश्चन, आवर्त वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है, पिछली बार भी 6 से 7 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। सामान्य कार्बनिक रसायन, कम से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेनिक, इलेक्ट्रोमेरिक, मैसोमेरिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन, अनुनाद एवं उनके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉन श्रेणी, नाभिक श्रेणी, मुक्त मूलक, कैटायनन, कार्बोधनायन, हाइड्रोजन आबंध एवं उनके प्रभाव, कार्बनिक यौगिक एवं उनका वर्गीकरण, कम से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम, ठीक है, ये समझ लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड से 1 क्वेश्चन, ठीक है, सामान्य कार्बनिक, यहाँ लिखता हूँ सामान्य कार्बनिक रसायन, सामान्य, अगर आप बुक्स को लेकर के रट्टा मारेंगे ना तो हो ना पाएगा सर, रसायन 5 क्वेश्चन कम से कम, कम से कम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम ये रासायनिक आबंध सिर्फ 8 से 8 क्वेश्चन जाएंगे, इसमें कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन जाएंगे और इसमें कम से कम जाएगा 5 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। फिर आता है आइसोमेरिज्म, समायोजता, कम से कम 2 क्वेश्चन, ठीक है। कार्बनिक यौगिक बनाने की विधियां, यहां से भी 5 क्वेश्चन कम से कम मान लीजिए, क्या हम लोग आते सिलेबस भूल गए क्या भाई, ठीक है, कहेंगे सर सिलेबस तो ख़त्म हो गया आपके, आपके नंबर तो 5 10 15 20 ही रहा है, तो 62 है ना, अभी बता रहा हूँ कहाँ से मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर के जो सब टॉपिक्स आएंगे वहाँ से, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक
यौगिक, यौगिक में बेंजीन, इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बेंजीन से दो क्वेश्चन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल हैलाइड और कीटोन से कम 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इनके अंदर आ जाइए, जो आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है, यहाँ से 2 क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए, ठीक है। और आपकी जो ये केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में से कहाँ चला गया भैया केमिकल बॉन्डिंग, संकरण, संकरण से 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, रेडियो एक्टिविटी नहीं, हाँ नहीं लिखा, रेडियो एक्टिविटी कम से कम 3 क्वेश्चन। देखो तो ये वो टॉपिक है जहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले हम लोग इन टॉपिक क्लियर करेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, ठीक है, 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दिन 24, मीन्स 25 नंबर हम लोग तैयार करेंगे कम से कम 10 से 15 दिन में, ठीक है। फिर जो एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे उनको तैयार करेंगे, ठीक है। दो दो मार्क्स वाले टॉपिक्स जहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं उनको समझेंगे, ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ेंगे, ये बात लिख लीजिए पहली बात। ट्रेडिशनल वे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। या कुछ आइडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार, सब दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपनी टेबल, टेबल के बाद से चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेबल से अगर मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं पूरी टेबल के अकॉर्डिंग, जो पूरी टेबल के बाद में जो बहुत सारे एलिमेंट हैं उनके शुरुआत वाले से दिया ना आपको, कि कोई मटेरियल दिया हुआ है उसका कक्षक बताना है ना, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 2021 में कि 3F ऑर्बिटल पॉसिबल है कि नहीं है, है ना, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप लोग जोड़ेंगे शुरुआत वाले चैप्टर में, बट वो है इस चैप्टर का। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जोड़ूँ तो कम से कम टेबल के साथ में जिसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ दी, उनको मिला करके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 10, कम से कम 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन, ये समझ लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कम 5 क्वेश्चन बनेंगे, पिछली बार 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे, बट अगर सही से देखा जाए तो कम से कम 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे, कम से कम। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल जो आपको वीडियो मिलेगा उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या की, उसमें देखेंगे कि हमारा जो टेबल होता है उसे हमें कैसे याद करना है। और हाँ, छोटी चीज़ें रहेगी, कुछ चीज़ें कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है मैंने बताया नहीं आपको। देखिए, आपके पास कोई भी बुक हो, एनी बुक, ठीक है, कोई बुक हो, उस बुक के बैक साइड में MCQ दिए हुए होंगे। जो चैप्टर आप यहाँ पढ़ें उसके MCQ ज़रूर लगाएं, ठीक है। जो MCQ आपको डाउटफुल लग रहे हैं, जो आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट के अंदर MCQ बन रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी MCQ हैं उन को लगा करके उनको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। याद करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है, पर समझ लीजिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो कैसे करना है, ठीक है, उनके क्वेश्चन तो लगाइए। और छोटी सी बात ये भी है कि अगर ऐसा कुछ हो गया है तो कम से कम अब आप अपनी टाइमिंग को बढ़ाकर 2 से 3 घंटे कर लीजिए, ठीक है। 1+1 केमिस्ट्री का दे दीजिए, 1+1 फिजिक्स का दे दीजिए, 4 घंटे का टाइम रख लीजिए अभी शुरुआत में। अगर इतना भी नहीं हो रहा तो 45+45 कर लीजिए, ठीक है, 90 इधर दे दीजिए, 45+45 केमिस्ट्री को दे दीजिए, 90 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको आई थिंक अच्छी लगी होंगी। तो अब हम लोग एक दूसरे अच्छे सुंदर और सुशील वीडियो के साथ में, आज आपको भी फिजिक्स क्लास भी देनी है, उसका भी रिकॉर्डिंग करना है हमें, तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जितना आपको पढ़ना है, अपनी बुक्स को निकाल लीजिए, साफ आप कर लीजिए, और नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिए और पढ़ने के लिए भी रेडी रहिए, ठीक है। कोई भी बुक जो आपके पास प्रेजेंट है उस बुक से पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो हमारे पास हैं वो आप तक पहुँच जाएंगी, इसके लिए भी फिक्र रहना है।
आज आपका लास्ट डे है, आप जिस किसी बच्चे को जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए इसमें ग्रुप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कल से किसी भी बच्चे को ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी सिफारिश कर ले, कुछ भी हो जाए, कल से ग्रुप बंद हो जाएगा। सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जो कल से ग्रुप पे हैं, और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो फी के देकर के पढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट दूसरे धमाकेदार वीडियो के साथ में। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, स्माइल करते रहना है, और ये ठान लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। नो एक्सक्यूज़, नो बहाना, इस बार है सिलेक्शन, हमें अपने घर लाना, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।